अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। और वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। ये कुछ क्लिप्स है पाकिस्तान के, जब मैं अभी गई थी ना वेकेशन पे तो ये कैप्चर किए थे और जो शेयर करना भूल गई थी। तो बारिश का बड़ा ही खूबसूरत सा मौसम हो रहा था। आपको पता है जब ऐसा मौसम होता है तो आपका दिल चाह रहा होता है बड़े ही मज़े मज़े के खाने खाने का, गर्म गर्म से पकौड़े समोसे वगैरह जो भी होते हैं खाने का। लेकिन खैर, ये तो वक्त था सुबह सुबह का और नाश्ते का वक्त था, तो नाश्ते में तो अच्छा यही लगता है कि हलवा पूरी हो या फिर चने और जो है पूरियां हो। तो बस घर के करीब जो अवेलेबल था, और इतने मज़े के ये लच्छेदार पराठे थे ना, और जो बाहर के जो मिल रहे होते हैं ना पराठे, वो बहुत डिफरेंट और बहुत टेस्टी होते हैं। ऊपर से क्रंची और अंदर से नरम नरम होते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि कितनी लेयर्स हैं इसमें। अच्छा, हम कितनी ही कोशिश कर लें ना घर में इस तरह की बनाने की, लेकिन वैसे बनते नहीं हैं। लेकिन ट्राई अपनी जारी रखनी चाहिए, और मैं तो बस कोशिश करती रहती हूँ इस तरह के पराठे बनाने की, और कभी कभी कामयाब हो जाती है और कभी कभी नहीं हो पाती। खैर, तो यहाँ पे बड़े मज़े के पराठे बन रहे थे और ये मौसम बड़ा ही खूबसूरत था, तो इस मौसम में अच्छा ही लगता है इस तरह के खाने वाने। अच्छा, हमें जैसे घर में बड़ा मुश्किल हो रहा होता है साथ साथ बेलना और साथ साथ इस तरह से सेकना, ये तो एक साथ इतने सारे पराठे बना भी रहे थे और बेल भी रहे थे। बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं ये लोग ना, और इनके जो पराठे होते हैं ना स्पेशली जो बाहर के होते हैं, बड़े ज़बरदस्त से होते हैं। और ना पूरा देखिएगा, बहुत आगे इंटरेस्टिंग एक आने वाली है चीज़, जो कि आप लोग देखेंगे, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। आप लोगों ने देखा भी होगा बचपन में। ओए कैसे गाड़ी वाला हाथ ऊपर कर के चले, अरे दूल्हा जाना कैसे, हां हां नहीं नहीं हाथ ऊपर कर के पंचर रास्ते में बात कर दी। कैसे गाड़ी पंचर हो, ससुराल वाले ने जादू डाला, दीवाना बना दिया, लड़के को पागल बना दिया। वाह, डाई लगा बच्चों, डाई लगा। वाह, बीवी चली गई गुस्से में, आटा गूंद के दिखा आटा, ओए आटा गूंद के दिखा, बीवी चली गई, फिर से पीट रहा बेचारा, बीवी चली गई, रो रहा है। हाँ हाँ हाँ, ओए रोटी बना, रोटी रोटी बना, क्यों मार रहे? ओए कैसे, और ब्रेक कर डाल, ओए उठ के डांस बना काजल, बच्चों के लिए डांस और काजल वाला। ओए बैठ के ठुमका ही लगा अंजो रानी का, एक पोंगा ठुमका लगा, नहीं बस डाली लगा। ओए 807 बॉडी बना बच्चों के लिए, ओए 807 वॉट से कबड्डी खेल बच्चा, कबड्डी ये कले पर।
खाएगा? ऐसे ही खाते हैं। एक और लाओ। पील करके नहीं देना, ऐसे ही देना, पील करना आता है उसे। और करवा लो एक बार। अच्छा, वैसे काफ़ी टफ ट्रेनिंग होती होगी ये बंदर की, क्योंकि कैसे इसको इतना इन्होंने सिखाया होगा, ट्रेन किया होगा कि इस तरह से इस वर्ड पे इस तरह से एक्शन देना है। खैर, वो था वो वाला क्लिप जो बहुत पहले का था, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और ये कुछ जैसे घरों के करीब होती है ना बकरियाँ मंडी, तो ये पाकिस्तान की कुछ क्लिप्स हैं, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और जो है जब हम गए थे तो ये बकरा ना लगा के मंडी खड़े हुए थे कुछ कुछ जगहों पे। और अगर आप, और जैसे कि अब आपको पता है कि ईद उल अज़हा आने वाली है, बकरा बड़ी हमारी बड़ी ईद आने वाली है, बकरा ईद आने वाली है, तो क्या आप लोगों ने ले ली अपनी गाय बकरे जो भी जिस भी की भी आप कुर्बानी करते हैं, तो आप लोगों ने ले लिया है नहीं लिया है? और अच्छा, जैसे ही बकरीद स्टार्ट होती है ना, मतलब लोगों को ये हो जाता है कि भाई अब जो है इतने दिन रह गए हैं, बकरा गायें लेनी है। और जब आप जाते हैं तो रास्ते पूरे पैक होते हैं, आप लोगों को जगह ही नहीं मिलती जाने की। और स्पेशली मोस्टली तो ये पहले यही होता था कि पहले हाईवे पे बड़ी बड़ी मंडियाँ लगती थी, वहाँ पर ट्रक्स में आ रहे होती थी गायें भैंसें और ये क्या कहते हैं बकरे वगैरह ये, तो सो इतना ज़्यादा हुजूम रहता था, रश इतना होता था कि आपको दूर दूर पार्किंग्स करनी पड़ती थी, उसके बाद आके आपने सेलेक्ट करना होता था। तो खैर, बकरा मंडी तो बहुत ही मज़ा आता है, स्पेशली उन लोगों को जिन लोगों को डर नहीं लगता जानवरों से। अच्छा, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मोस्टली लोगों का यही कहना होता है कि वो सिंग मारेंगे, टांगे मारेंगे, लेकिन मुझे ना बहुत अच्छा लगता है बकरा मंडी जाना। लेकिन ये है कि हम कभी गए नहीं हैं। अच्छा, मैं सऊदी अरब की तो गई हूँ, लेकिन मैं यहाँ पाकिस्तान की कभी भी नहीं गई हूँ। अब तो जानवरों के भी ना प्राइजेज इतने ज़्यादा हो गए हैं, 1 लाख से तो ऊपर ही मिलते हैं आपको, आप गाय लें बकरे लें आपको 1 लाख से ऊपर ही मिलते हैं, कम के तो मिलते ही नहीं हैं। अब तो रेट्स इतने बढ़ गए हैं और शुरू के दिनों में तो और ज़्यादा होते हैं। अब तो ऐसा लगता है कि आप एक अपार्टमेंट लेने जा रहे हैं ना, तो बिल्कुल सेम ऐसा ही लगता है कि जैसे कि आप एक अपार्टमेंट लेने जा रहे हैं, क्योंकि अब तो अपार्टमेंट से भी ज़्यादा प्राइजेज हो चुके हैं गाय बकरों के। कुछ छोटे से छोटा बकरा भी ना, मतलब 60,000-40,000 इस तरह की रेंज में ही अब मिल रहे हैं। और ये जो गायें हैं ये तो 1 लाख से ऊपर के ही मिल रहे हैं। इतने बढ़ा चढ़ा के प्राइजेस नहीं रखने चाहिए, क्योंकि जो जिनकी इस्तेतात नहीं है उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो कोशिश ऐसे ही करनी चाहिए कि आप थोड़े से लास्ट के दिनों में ही लें, कि उस वक्त ना प्राइजेस थोड़े से कम हो जाते हैं। सबके एक ही रेट है, सब एक ही मांग रहे हैं। आई होप ये आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो है आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कुर्बानी का जानवर ले लिया है या नहीं लिया है, ले लिया है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए, हम सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए, और हमें इतनी इस्तेआत अता फरमाए कि हम दूसरों की हेल्प कर सके, हर एक की मदद करें। यही तक था मेरा आज का व्लॉग, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।